हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस uh, करने वाली हूँ माइक्रो टीचिंग व्हाट इज माइक्रो टीचिंग व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग सो एज़ वी नो कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इट विच इज़ प्रोवाइडेड टू अवर चिल्ड्रन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ टीचर्स जो उनको पढ़ा रही हैं एंड uh, uh, जो क्वालिटी ऑफ टीचर है इन टर्न वो डिपेंड करता है फ्रॉम वेयर दे हैव फ्रॉम वेयर दे गॉट द ट्रेनिंग सो किन टीचर इंस्टीट्यूशन से उन्होंने ट्रेनिंग ली है और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो कराए जा रहे हैं उनको वो कैसे हैं जो वो प्रोग्राम्स ले रही हैं कोर्स कर रही हैं वो कैसा है जिस इंस्टीट्यूशन ने वो पढ़ाया वो कैसा है सो वी हैव टू टेक वी मस्ट टेक अ पीप पीपल टू दिस प्रोग्राम जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है सो प्लानिंग इसेंशियल है अगर टीचर्स को शेप करना है क्योंकि डेस्टिनी ऑफ फ्यूचर जो uh, जो कंट्री की पूरी डिपेंड करती है टीचर्स पे सो अगर हमें टीचर्स को शेप डेस्टनी uh, को शेप करना है तो हमें टीचर्स को पहले शेप करना पड़ेगा सो वी आर हैविंग अ ग्रेट रिस्पांसिबल टू टू शेप टीचर एंड हाउ वी कैन शेप इट बाय द टीचर इंस्टीट्यूशन और जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है अब बात करते हैं हम वो कैसे हम ट्रेन कर सकते हो माइक्रो टीचिंग जो है पहला स्टेप है जिसमें बच्चे को स्किल्स सिखाए जाते हैं कि जब आप भी टीचर बनते हो तो आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और पढ़ाना कंटेंट के साथ साथ आपने और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है कौन से कौन से स्किल्स आपको होने चाहिए पता तो उसके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां दिया गया है कि ये आ, कीथ एक्सन ने जो है बेसिकली uh, ये जो है स्कॉलर uh, ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये आइडिया दिया था वीडियो टेप रिकॉर्डर का ताकि रिकॉर्ड करें टीचर का बिहेवियर टीचर कैसे पढ़ा रहा है और उसको फिर अपनी गलतियां बताई जाए और वो मॉडिफाई कर सके डाइट एलन ने जो है ये पहली बार क्वाइन किया था टर्म माइक्रो टीचिंग और नाइनटीन में डी डी तिवारी ने जो है ये इंडिया में लाया सो माइक्रो टीचिंग होता क्या है बेसिकली माइक्रोटीचिंग uh, हम अगर इन जनरल कहें तो इसमें क्या होता है वी रिड्यूस द साइज ऑफ क्लास द साइज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सॉरी टाइम एंड द पोर्शन ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो रिड्यूस एंड द स्किल्स विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टाइज द स्टूडेंट वो भी एक होता है एट अ टाइम जो आप बच्चे को सिखाते हो इकट्ठे नहीं सिखाते सारे एक एक करके सिखाए जाते हैं सो so, यहाँ लिखा भी गया है इन द क्लिप दैट इट इज स्किल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम कंटेंट भी होता है एंड इट इज स्किल बेस्ड अप्रोच यहाँ पे स्किल पे ज्यादा जोर दिया जाता है सो so, कंटेंट जो है वो स्किल को ही कवर करने के लिए सिखाया जाता है दिया जाता है सो माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग है क्योंकि टीचर को ट्रेन किया जाता है सी जब हम क्लास में जाते हैं इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट हाउ यूर गोइंग टू टीच बट हाउ यूर गोइंग टू मोटिवेट आप बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो जब वो बच्चा पढ़ नहीं रहा रहा है तो आप रिन फोर्सेज यूज कर सकते हो गुड बैड या आप जब आंखें अपने जेस्चर्स से बच्चे को समझा सकते हो क्लास की मोनोटनी को कैसे तोड़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं माइक्रो टीचिंग में जैसे आपका इलस्ट्रेशन हो गया एक्सप्लेनेशन कैसे होनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन जो टीचर करता है वो भी बच्चे को बोर करता है सो यहाँ माइक्रो टीचिंग में बेसिक मोटिव जो रहता है माइक्रो टीचिंग का ये रहता है अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल टीचिंग का कम्पेरिजन करके सी माइक्रो टीचिंग में हम एक स्किल यूज़ करते हैं कंसेप्ट भी छोटा होता है क्लास साइज भी छोटी होती है पाँच से दस बच्चे होते हैं ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड जो है वो वो भी पाँच से छह मिनट हम लेके चलते हैं बारह मिनट लेके चलो आप सैमोलेटेड कंडीशन होती है आर्टिफिशियल कंडीशन होती है बच्चे क्लास के नहीं होते स्कूल के बच्चे नहीं होते अपनी क्लास के ही बच्चे होते हैं जिन पे आप वो आ, मतलब आ, डेमो करते हो सारा देते हो जिनको और रोल प्ले जो है टीचर का रहता है ये एक ट्रेनिंग डिवाइस है और यहाँ पे लेवल अटेम्प्ट किए जाते हैं वेर एस ट्रेडिशनल टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स इकट्ठे इंटीग्रेट होते हैं और आप यूज़ करते हो देन आप नॉर्मल क्लास साइज जो होता है क्लास का कितना होता है पैंतीस से साठ बच्चों का होता है और टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स यहाँ तो वो पैंतीस मिनट होगा यहाँ तो चालीस मिनट और बीच वाला नहीं होता सैम्यटेड कंडीशन इसमें नहीं होती है टीचर पर्पज जो होता है बच्चे को स्किल्स uh, जो टीचर टीचिंग कर रहा है बच्चा उसका स्किल्स पे जोर होता है ना उसमें ना कि कंटेंट में तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स की कि माइक्रो टीचिंग को कैसे हम पढ़ा सकते हैं माइक्रो टीचिंग कैसे बच्चे को सिखाया जाता है सबसे पहले जो है देखिए आपको अपने आप तो कुछ आएगा नहीं तो टीचर मॉडलिंग द स्किन मील्स यहाँ पे दो मॉडल्स होते हैं परसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल यहाँ पे टीचर अपना परसेप्चुअल मॉडल हो गया जहाँ टीचर डेमो करके दिखा रही है कि जब आपने क्लास में आप है ना बच्चा करके रिस्पांस देता है उसको रीऑकर करने के लिए आप उसको बोलोगे गुड अगर आप बच्चे को रीऑकर करने के लिए गुड नहीं बोलोगे तो बच्चा दोबारा रिस्पांस देगा ही नहीं अगर वो गलत करता है तो बैड सो कंसेप्चुअल मॉडल ये हो गया कि आपने उस लेसन को क्लास कैसे प्लान करना है कंटेंट प्लानिंग अ माइक्रो लेसन वो हो गया इट इज नेसेसरी जहां पे बच्चा जो है बच्चे को पता चलता है कि मुझे पाँच से सात मिनट का कंटेंट ही लेना है उससे ज़्यादा नहीं टीचिंग सेशन में टीचर जो है वो जब बच्चा एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूट करता है जो इन प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर जो उसको समझाया गया है डेमो दिया गया है जो मॉडलिंग द स्किल में तो वो बच्चा वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करता है और सुपरवाइजर उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसको रिकॉर्ड करता है कि वो उसने कितने मार्क्स लिए हैं या किस तरह से क्रिटिक सेशन हो गया जिसमें फीडबैक दिया जाता है बच्चे को कि आपने क्या परफॉर्मेंस सही थी कि नहीं और वहाँ पिन पॉइंट भी किया जाता है यू नीड अ इम्प्रूवमेंट ओवर हेयर देन अगर आपकी कोई गलती होती है यहाँ टाइम दिया हुआ है तो आप री प्लान करते हो उसको री प्लान में बारह मिनट लग जाते हैं बाकियों में छः छः मिनट लगते हैं प्लानिंग में कोई मिनट नहीं मैंशन किए क्योंकि प्लानिंग का पता नहीं होता कि आपने कितना टाइम लगाया देन आपका आता है री टीचिंग सेशन री टीचिंग सेशन में क्या होता है री प्लानिंग करते हो आप वापस अगर गलत है अगर आपका फिर आप री टीच करते हो फिर सेम प्रोसीजर चलता है और देन रिक्रिटीक में आपका क्या होता है फीडबैक अगेन दिया जाता है नो कम्स फेजिज ऑफ माइक्रो टीचिंग नॉलेज एक्वाजेशन फ़ेज़ है स्किल एक्वाजेशन फ़ेज़ है एंड आपका ट्रांसफर एक्वाजेसन फ़ेज़ है ये तीन फेजेज होते हैं जो है माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर में अंदर जो चलते हैं नॉलेज एक्वाजेशन फेज़ को हम जो है बेसिकली प्री एक्टिव फेज भी कहते हैं और इसमें दो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं ऑब्जर्व ऑब्जर्विंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल एंड एनालाइजिंग डिस्कसिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल जब टीचर दे रहा होता है डिमॉन्ट्रेशन किसी स्किल के बारे में जैसे आपको खुद तो पता नहीं होगा तब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं आपस में कि इस फेज़ में प्यूपल टीचर जो है थ्योरोटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दे रहा होता है तो बच्चे जो है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि ये ये ऐसे करना है जैसे स्किल अगर क्वेश्चनिंग ही है क्वेश्चन में आपने कैसे पूछना है बच्चे को एकदम से क्वेश्चन ही पूछेंगे आप बेस होगा प्रीवियस नॉलेज पे उस तरह से देन स्किल एक्वेशन फ़ेज़ होता है आपका इंटरेक्टिव फेज जिसमें इंटरेक्टिव मीन्स जब आप इंटरेक्शन हो रही होती है ये नाम ही आपको बता रहा है इसमें आपने लेसन इंटरेक्टिव फ़ेज मीन्स आपने प्रिपेयर कर लिया लेसन एंड आपने प्रैक्टाइज किया उसको क्लास रूम में देन आपका इवेलुएट हुआ दैट इज कॉल्ड इंटरक्टिव फेज बिकॉज हेयर यू आर इन एक्चुअल साइमुलेटेड क्लास जहाँ पे टीचर सुपरवाइजर आपका है और बच्चों को आप पढ़ा रहे हो पाँच से दस मिनट का कंटेंट लेकर तो आपने मिनट्स भी मेयर करके जाना है देन ट्रांसफर फेज आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल इन सेकेंड फेज द ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू द यूज इन दू यूज द स्किल इन अर नॉर्मल क्लास रूम टीचिंग सो हे आर द स्टूडेंट टीचर इट्स द डिफरेंट स्किल्स और वो आर्टिफिशियल सिचुएशन में इन प्लेस ऑफ आर्टिफिशियल सिचुएशन सिचुएशन जो होती है आपकी रियल हो जाती है जैसे आप ये ट्रेनिंग करने के बाद जब एक्चुअल क्लास रूम में माइक मैक माइक्रो के बाद मैक्रो टीचिंग होती है उसमें आपको इन्हीं स्किल्स को लेकर वहाँ पे पढ़ाना होता है और यूज़ करना होता है सो so, uh, ये आपका ट्रांसफर फेज़ है तो आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगी कि क्या कौन से कौन से फेजिज़ हैं हमारे और uh, माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है ये प्री uh, प्रिपरेशन है मैक्रो की क्लास में जाने के लिए कि आप अगर जब पढ़ाते हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कैसे ये ट्रेनिंग है आपको कैसे पढ़ाना है क्लास के अंदर मैक्रो टीचिंग से पहले आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है फिर आप इन सब स्किल्स को अप्लाई करते हो मैक्रो टीचिंग के अंदर जो एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन आपके पास आ जाती है थैंक यू सो मच एंड स्टेट यून विद मी